इस पर मिलजुल कर काम करना होगा, लेकिन हम सब की जो बात आपने की है इसका भी जिक्र जरूरी है, क्योंकि अनुपम मिश्रा जी ने भी बताया, उनका भी यही मानना है कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या विक्रांत तोंगर साहब आपको लग रहा है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर हैं, चाहे पराली जलाने की घटनाओं के जिक्र हो, भले ही सरकार पर ठीक रहा इसका फोड़ दिया जाए, लेकिन किसानों को भी नहीं समझना चाहिए कि इससे नुकसान तो उन्हें भी पहुंच रहा है, उनके बच्चों को भी पहुंच रहा है। जहाँ तक अक्षय जी लोगों के गंभीर होने की बात है, निसंदेह इसमें लोग गंभीर हुए हैं। प्रदूषण का जो एक तरह से मार है वो आम लोगों पर भी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ केवल लोगों के गंभीर होने से काम नहीं चल जाएगा। अगर दिल्ली में हजारों बस चाहिए जिससे कि लोग अपनी गाड़ियों के बजाय बसों में सफर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट करें, तो लोग क्या कर सकते हैं उसमें? जब हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं हमारी रोडवेज की बसों में, इस तरह की सुरक्षाएं नहीं दी जा रही हैं, तो कहने का मेरा पर्याय ये है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे नीति निर्माता, हमारे राजनीतिक दल, हमारी सरकारों का अहम रोल है। जहां तक आमजन की जागरूकता की बात है, तो इस दीपावली पर पिछली दीपावली की अपेक्षाकृत कम पटाखे का उपयोग किया गया था, ये जन सहभागिता से ही संभव हुआ है, जन सहभागिता हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी इस बारे में विचार करना होगा। और दिल्ली NCR देश का ही नहीं दुनिया का सबसे प्रदूषित हिस्सा बनता जा रहा है, बन गया है पिछले कई साल से। हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, WHO की स्टडी आ रही है, हमारे जो नेशनल स्टडी सेंटर है, जो हमारे रिसर्च सेंटर है भारत के अपने, वो भी अब इस बात को एक तरह से मान रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार को यह देखना होगा, वह केवल बाहर के किसानों पर दोषारोपण करने की बजाय अपने लोकल सोर्सेस को, जैसे गाड़ियों से प्रदूषण होता है, कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है दिल्ली में या दिल्ली के आसपास जितने भी बड़े शहर है, चाहे गुड़गांव है, चाहे नोएडा है, गाजियाबाद है, कूड़ा जलकर खत्म हो रहा है, तो इस तरह के जो लोकल सोर्सेज है पॉल्यूशन के, हमें उन पर भी काम करना होगा। जहां तक जनसंख्या की बात है, वो एक बेहद गंभीर मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण पर काम होना चाहिए, लेकिन चाइना में हमारे यहाँ से ज्यादा जनसंख्या है, फिर भी वहां प्रदूषण का स्तर कम है। जनसंख्या के साथ साथ हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हो, अगर हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो कानूनों का, लोग अगर इसमें सहभागिता निभाएं, तो हम इसको नकार नहीं सकते कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो इसलिए प्रदूषण है। जनसंख्या पर काम करेंगे, 40 साल बाद उसका, 4 दशक बाद, 3 दशक बाद उसका प्रभाव होगा। आज हम घुटकर नहीं मर सकते, तो इसके लिए आज इंतजाम किए जाए और पूरे साल प्रदूषण पर काम करना होगा, जब हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, ना कि केवल सर्दियों में हम इसके बारे में चिल्लाकर इसको नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आपका यह मानना है कि जो एक व्यवस्था बन गई है कि जब चीजें मतलब हाथ से बाहर जाने लगती हैं, तब उसकी तरफ गंभीरता के साथ कदम बढ़ाने की बात कही जाती है।